नमस्कार, जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुप्रीत सचदेव। स्टार बॉक्सर रोहित टोकस रात को 12 बजे सेमीफाइनल मैच खेलने वाले हैं। देश और रोहित के परिवार को उनसे गोल्ड लाने की उम्मीद है। सीधे हम चलेंगे रोहित के परिवार के पास, लेकिन आपको बता दें कि 28 साल के रोहित आज अपना बेहतरीन प्रदर्शन वो करेंगे। और देखिए किस तरह से पहली बार, ये बताया जा रहा है कि पहली बार कॉमनवेल्थ गेम्स रोहित टोकस खेलने वाले हैं और परिवार को ज्यादा उम्मीदें हैं, देश को उम्मीदें, क्योंकि जिस तरह से प्रदर्शन यहां पर देखा जा रहा है पूरे कॉमनवेल्थ गेम्स की अगर बात करें तो एक के बाद एक जो है मेडल्स आने का सिलसिला लगातार चल रहा है। कई गोल्ड मेडल अभी तक भारत के खाते में आ चुके हैं और ऐसे में शानदार प्रदर्शन खिलाड़ियों का देखा जा रहा है। अब देखिए रोहित टोकस जो है 28 साल की ये जो खिलाड़ी है और ऐसे में पहली बार वो कॉमनवेल्थ गेम्स खेलने पहुंचे हुए हैं, क्योंकि इससे पहले रियो ओलंपिक में वो चोटिल हो गए थे और अपनी चोट की वजह से जो है वो उसमें शामिल नहीं हो पाए थे। और इस बार रोहित टोकस कोई मौका छोड़ना नहीं चाहते, तो पूरी उम्मीदें देश को उनसे हैं और ऐसे में देखना यह है क्योंकि सेमीफाइनल तक तो वो पहुंच चुके हैं और ये पदक मिलना पक्का यहां पर माना जा रहा है, लेकिन गोल्ड क्या रोहित टोकस दिला पाते हैं भारत को, ये यहां पर देखना होगा। और लगातार कॉमनवेल्थ गेम्स से जुड़ी हुई हर अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। आज रात 12 बजे का वक्त बताया जा रहा है इंडियन टाइम के हिसाब से, जो मैं आपको बता रही हूं सेमीफाइनल मैच खेलने वाले हैं रोहित टोकस। तो देश को और रोहित के परिवार को उनसे काफी ज्यादा उम्मीदें हैं, क्योंकि गोल्ड लाने का जो सपना यहां पर क्या रोहित टोकस पूरा कर पाएंगे ये फिलहाल देखना होगा। तो जाहिर तौर पर कई सारी विशेष उन्हें दी जा रही है, क्योंकि देखिए किस तरह से रोहित टोकस ने पहली बार ही पहुंचकर कॉमनवेल्थ में किस तरह से शानदार प्रदर्शन उन्होंने दिखाया है। मेडल्स की जो बरसात हो रही है भारत के खाते में, लगातार जो मेडल्स आ रहे हैं, लेकिन अब देखना यह है कि क्या रोहित टोकस गोल्डन बॉय के तौर पर वो सामने निकल कर सामने आएंगे। और हम उनके परिवार से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर रोहित टोकस ने किस तरह से इस पूरे टूर्नामेंट को लेकर, इस कॉमनवेल्थ गेम्स को लेकर किस तरह से तैयारी की थी, और दिल्ली के रहने वाले रोहित टोकस की जो उम्मीदें हैं काफी ज्यादा उनसे उम्मीदें पूरा देश लगाए बैठा है। तो स्टार बॉक्सर भारतीय मुक्केबाज का प्रदर्शन आज देखना होगा रोहित टोकस, क्योंकि सेमीफाइनल में तो वो पहुंच चुके हैं और ऐसे में देखना यह है कि क्या वो गोल्ड भारत के खाते में ला पाते हैं, भारत को गोल्ड का तोहफा दे पाते हैं। तो लगातार जो है देश शुभकामनाएं दे रहा है और एक की बात एक जिस तरह से मेडल्स आ रहे हैं और ऐसे में देखा भी ये भी गया कि पूरा देश बधाइयां दे रहा है, ट्वीट यहां पर देखे जा रहे हैं। और हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता सौरभ हमारे साथ जुड़ चुके हैं, शरद भारद्वाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शरद, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप इस वक्त रोहित टोकस के परिवार के साथ मौजूद होंगे, जरा उनसे बातचीत करिए, बताइए कितना उत्साह इस वक्त बना हुआ है। जी, हम दर्शकों को बताते हैं जी मीडिया की, मैं रोहित टोकस जो स्टार है बॉक्सर, और उम्मीद जगी है कि आज सेमीफाइनल होगा रात में, और उम्मीद जगी है गोल्ड मेडल लाने की। मैं उनके परिवार के साथ में हूँ। ये देखिए, ये भाई है, ये माता जी है, इनकी बुआ भी आज आई है क्योंकि उनका भतीजा आज खेलेगा, इनकी चाची है, इनका पूरा परिवार आज खुशी से है। और मुनीरका के गाँव के लोग काफी खुश भी है कि आज उनका छोरा गोल्ड मेडल जरूर जीतेगा, क्योंकि इसी से फाइनल में भी जाना है। उनके पिता हमारे साथ जुड़े हैं और वो रिटायर्ड है, आईएएस है, एएसआई है, उनके बेटा है रोहित टोकस, उसका नाम रोशन किया है। सर, क्या कहेंगे बेटे के लिए, आज मैच खेलेगा और गोल्ड मेडल भारत ला रहा है। सबसे पहले तो मैं अपना जी न्यूज का स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ जी न्यूज का, जो हमारे ऊपर यहाँ आए, कृपा करी उन्होंने। और मैं और बाबा अंगनाथ महाराज की जय हो, हम बाबा अंगनाथ से प्रार्थना की है हमने, कई बार हमारा बच्चा गोल्ड मेडल जीत के लाए, और हम गांववासियों से और अपने देशवासियों से प्रार्थना करते हैं कि हमारे बच्चे के लिए दुआ करें, और हमें बड़ी खुशी होगी गोल्ड मेडल लाए देश के लिए जी। और रोहित देखा जाए तो पहले इंजर्ड हो गए थे, उम्मीद थी पहली बार वो कॉमनवेल्थ गेम खेलने, क्या आशीर्वाद लेकर गए हैं, क्या बोल के गए हो यहाँ से? नहीं, अब उन्होंने फूल हमने आशीर्वाद दिया है, मेरा बेटा जरूर गोल्ड मेडल जो आप विजय हो गया होगा, गोल्ड मेडल जीत के लाओगे। 2014 में इसका गोल्ड, 2014 में 14 में कॉमनवेल्थ गेम में सिलेक्शन हो गया था इसका जी। जब ये इंजर्ड हो गया, इंजर्ड
ये परिवार काफी खुश है कि आज उनका बेटा जो है कॉमनवेल्थ गेम खेल रहा है, गोल्ड मेडल लाने की उम्मीद जगी है। उनके ब्रदर हमारे साथ है, भाई है उनके साथ, जो एक तरीके से कोच भी है और एक भाई है रोहित के बड़े भाई। जी क्या कहेंगे सर? तो मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा जी वालों का, और हमें पूरी उम्मीद है बाबा जगन्नाथ महाराज जी का आशीर्वाद उसके साथ है, देश वालों का आशीर्वाद उसके साथ है, और तमाम फैमिली जितनी भी दुआ कर रही है हमें पूरी उम्मीद है कि गोल्ड मेडल इस बार रोहित लेके आएगा। जी ये परिवार बिल्कुल वाले हैं सदस्य शरद, जो इस ये भी मैं सवाल जानना चाहूंगी, आप जरा उनसे बातचीत करिए, उनके परिवार से, और पूछिए कि क्या उनकी आखिरी बार कब बात हुई थी रोहित टोकस से, और क्या कोई वो अपने आने वाले मैच को लेकर कोई प्रेशर फील कर रहे थे, किस तरह महसूस कर रहे हैं वो अपने अगले मैच को लेकर? रोहित से बात होती है क्योंकि उनके भाई हैं, एक तरीके से कोच भी है, अगर कोई जानकारी लेनी होती है तो अपने भाई को फोन करते। दर्शकों को ये बताइए कि रोहित किस तरीके से आपसे बात करते हैं, गोल्ड मेडल को लेकर खासकर क्या बात करते हैं हाँ आपसे? जी हाँ जी, वो मैच के बाद डेली बात करते हैं पापा से, मेरे से, मम्मी से, हम पूछते हैं कि सब ठीक है, वो बिंदास है, वो गोल्ड मेडल पक्का है उसका इस बार, तो कोई भी चीज हो जाए मेडल हमारा है इस बार, वो प्रैक्टिस में कोई कमी नहीं रही है उसकी, पिछले जितने भी सालों से कैंप में प्रैक्टिस करी है, बस जितने भी कोचेज है कैंप में सबने पूरा एफर्ट लगाया है, और हमारी आशाएं यही है कि गोल्ड मेडल के साथ ही रोहित वापिस आएगा इस बार। आज रात में मैच है, हाँ तो जी, आज किस तरीके से बात हुई आपकी रोहित से? रोहित की अभी 2-3 घंटे पहले ही हमारी बात हुई है रोहित से, बट उन्होंने यही बोला है कि मैं पूरा फिट एंड फाइन हूँ और इस बार मेडल मैं लेके ही आऊंगा, हमारी बात हुई है उससे रोहित से अभी कुछ टाइम पहले ही। मुनिका के लोग क्या हाँ विचार है जी सर, हाँ मुनिका जी, के लोग क्या मुनि उम्मीद है? हाँ जी, मुनिका का जितने भी लोग हैं सब दुआएं कर रहे हैं रोहित के लिए, और हम लोग यही दुआ कर रहे हैं, और उनके आशीर्वाद बाबा गंगनाथ महाराज जी का आशीर्वाद रोहित के साथ है, और पूरे देशवासियों का आशीर्वाद रोहित के साथ है, और हमें पूरी उम्मीद है कि गोल्ड इस बार रोहित लेके आने वाला है। इनको उम्मीद है अपने भाई पे कि भारत का नाम रोशन करेगा, मुनिका के गांव का नाम रोशन करेगा। जी बिल्कुल शरद, और अगर रोहित की अगर रूटीन की अगर बात की जाए, तो किस तरह से वो प्रैक्टिस करते थे, किस तरह से उनका जो दिनचर्या रहती थी, और कैसे वो प्रैक्टिस करते थे, कितने घंटे तक वो प्रैक्टिस करते थे, इस बारे में क्या परिवार क्या बता पाएंगे? मुनिरका में बाबा गंगनाथ बॉक्सिंग एकेडमी है, वहां से उनको अपना बचपन निकाला है, वहीं से वो लंबी अपने प्रैक्टिस करते थे, और उनसे बात करते हैं, उन्हीं के भाई जो है उनकी काफी घंटे तक प्रैक्टिस हाँ जी कराते। जी हाँ जी उन क्या कहेंगे, प्रैक्टिस कितने घंटे चलती थी हाँ जी उनकी? हाँ जी, मैं बताता हूँ, रोहित जब छोटा सा था 9-10 से उसने अपने करियर की स्टार्टिंग करी थी, और हमारी गांव में ही बाबा गंगनाथ बॉक्सिंग एकेडमी है जहाँ से उन्होंने अपनी करियर की स्टार्टिंग करी थी, श्री राजेश जी उनके जो कोच रहे उन्होंने बहुत सहयोग दिया है उनके स्टार्टिंग से, फिर उन्होंने अपनी मेहनत से फिर वो इंडिया कैंप गए, काफी मेहनत की उन्होंने, और अभी भी रिसेंटली उनका जो कैंप लगा था दिन में 5 से 6 घंटे उनकी प्रैक्टिस चलती थी प्रॉपर, वो आके रेस्ट लेते थे, डाइट लेते थे, तो प्रैक्टिस में कोई कमी नहीं है, कोचिज ने बहुत हेल्प करी है रोहित की, और हमें पूरी उम्मीद है इस बार जितनी प्रैक्टिस करी है तो उसका नतीजा हमारे सामने बिल्कुल आएगा, साथ के साथ इस बार गोल्ड हमारा ही है साथ में। जी बिल्कुल शरद, और एक और ये सवाल कि आखिर रोहित को कब ये एहसास हुआ कि वो बॉक्सिंग के फील्ड में जाना चाहते हैं और बॉक्सिंग में ही मुकाम बनाना चाहते हैं? उनकी माता जी हमारे साथ जुड़ी हैं। माता जी ये बताइए कि रोहित का क्या सपना था, क्या बॉक्सिंग में जाना उनका वो था या कुछ और एम था उनका? बचपन से ही उसका बॉक्सिंग में था, बस जी खेलने में उसका शुरू से ही था बॉक्सिंग में। सुबह से शाम तक क्या खेलते थे? नहीं उसको तो वैसे बॉक्सिंग में भी था, स्विमिंग में भी था उसका, फिर बॉक्सिंग करी वापसी में उसने, बस बेटा पहली बार गेम कॉमनवेल्थ गेम में खेल रहा है, क्या बात हुई है आपकी गोल्ड मेडल लाने के लिए? जी बात बुआ भी इनके साथ है, क्या कहेंगे आप भतीजा आज को गोल्ड मेडल खेलने के लिए? भतीजा मेरा गोल्ड मेडल लेके आ गया, पूरे कॉन्फिडेंस से वो गया है देश के लिए, उसने जी जी तोड़ मेहनत की है अपने उस गोल्ड के लिए, इतना मतलब उसका ऑपरेशन होने के बाद भी उसने हिम्मत नहीं हारी है, और हमें उसकी उम्मीद, वो अपनी उम्मीद पे पूरा खरा उतरेगा। क्या आपको लगता है कि भतीजा जो है आज मुनिका का नाम रोशन करने जा रहा है, साथ में बॉक्सिंग, क्या उसका पहला वो था कि वो देश का नाम रोशन करेंगे बॉक्सिंग में? हाँ जी वो बॉक्सिंग में उसका यही एम था कि बॉक्सिंग में मैं अपने मुनीर का गांव का, अपने देश का नाम रोशन करूं और अपना गोल्ड मेडल लेके आऊं। जी
बिल्कुल। और अगर साथ ही शरद ये अगर जानना चाहें कि किस तरह से पढ़ाई लिखाई उन्होंने की, उनका पढ़ाई लिखाई में क्या शौक था, किस तरह का शौक था? जी उनके पिताजी हमारे साथ जुड़े हैं सर, रोहित को पढ़ाई को लेकर और गेम को लेकर किस तरीके से वो करते थे? पढ़ाई भी करता था पर गेम में रुचि ज्यादा थी उसकी, पढ़ाई का भी अपना होमवर्क करता था स्कूल टाइम में, और कहले पापा मुझे आगे बढ़ना है, मुझे आपको स्पोर्ट्स खेलने दो जो मुझे है, और हमने उसका पूरा सहयोग किया उसका, और खिलाने पिलाने का भी ध्यान रखा हमने उसका, और बाबा गंगानाथ महाराज का बहुत आशीर्वाद रहा है, और राजेश कोच है इनके, इतने बड़ा योगदान किया है उसका, उसका बड़ा ध्यान रखा इनके कोच ने, हमने कोच साहब को दे दिया था, मगर भाई बच्चा आपका है हमारा नहीं है बच्चा ये, तो कोच साहब की गाइडलाइन से आगे बढ़ा है और इस मुकाम तक पहुंच गया है, देश के लिए गोल्ड मेडल ले गए, यही हमें उम्मीद है अपने भाई बहनों से, देशवासियों से, और मैं यही कहना चाहता हूँ कि बाबा गंगानाथ महाराज की कृपा से गोल्ड मेडल लाए देश के लिए। जी उम्मीद है जो है कहीं ना कहीं रोहित पे परिवार की है, क्योंकि परिवार से हमेशा बात होती है तो गोल्ड मेडल लाने की बात करते हैं, क्योंकि जिस तरीके से भारत जो है लगातार गोल्ड मेडल ला रहा है और परिवार के सदस्यों में जो रिश्तेदार है वो भी कहीं ना कहीं आ रहे हैं अपने मैच देखने के लिए, उनकी चाची हमारे साथ जुड़ी है, वाइफ है उनकी जी, रोहित से बात होती है क्या कहते हैं गोल्ड मेडल? हाँ जी मेरी रोहित से थोड़े टाइम पहले ही बात हुई है, वो फुल कॉन्फिडेंट है कि उनका गोल्ड ही आएगा, वो अपनी तरफ से 100% कोशिश करेंगे कि वो मैच को जीते और गोल्ड लाए। क्या मैसेज देना चाहते हैं देशवासियों को, क्योंकि आप वाइफ है और कहीं ना कहीं आपसे भी उम्मीद लगी है कि रोहित क्या बात करके गया है गोल्ड मेडल को लेके भी? गोल्ड